उधर टीकमगढ़ पुलिस ने 5 दिन में कत्ल का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि 5 सितंबर को ग्राम रतबास में 51 वर्षीय सखी भाई के सिर में चोट लगने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। इसकी सूचना पुलिस को देते हुए बताया गया कि सखी भाई की मौत सीढ़ियों से गिरने की वजह से हुई, जबकि मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी ने एक टीम का गठन किया, जिसके आधार पर खुलासा हुआ कि बाबूलाल की दूसरी पत्नी बेनी बाई ने विवाद के दौरान सखी भाई को सीढ़ियों से धक्का दिया, जिससे सखी भाई को सिर में चोट लगने से उसकी मौत हो गई। थोड़ा संदेहास्पद था क्योंकि जो कंप्लेनेंट और जो साक्षी थे उनके द्वारा जो चीज़ें बताई जा रही थी उनमें कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा था, तथा जो चोट थी वो लग नहीं रही थी कि सीढ़ियों से गिरने के कारण आ सकती है, और जिस तरीके की ब्लीडिंग हुई है और पीएम रिपोर्ट में जो साक्ष्य हैं, उसी तारतम्य में जब साइंटिफिक एविडेंसेज जो थे और जो चक्षु गवाह थे इनके जो जिनसे जो एविडेंसेज हैं उनको क्रॉस किया गया, ये जो मृतिका है सखी भाई, इसके पति ने दूसरी शादी की थी करीब 21 साल पहले बेनी भाई, ये सभी लोग साथ में रहते थे। बेनी भाई और सखी भाई के बीच में काफ़ी घर्षण था, अगर पुलिस ने सख्ती से पूछताछ करी तो उसने अपना जुर्म कबूल लिया और हत्या में प्रयोग में लाए गए डंडे को उसने उसकी निशानदेही पर पुलिस ने जब्त कर लिया।